चाहिए, गलती करने के बाद भी छू जाना चाहिए, क्योंकि समाज के प्रति हमारा दायित्व तो है, देश के प्रति हमारा दायित्व तो है, गांव के प्रति दायित्व तो है। अगर कोई गलती हो जाए तो समाज के सामने झुक जाओ, उसमें भी आपका बड़प्पन है, लोग बड़ाई करेंगे। आज धनुष कह रहा है मैं टूट गया तो क्या हुआ, जोड़ दिया जोड़ लिया जोड़ लिया रे, जोड़ लिया जोड़ लिया आज सिया सुना था, जोड़ लिया रे आज सिया सुना था, जोड़ लिया रे आज सिया सुना था, जोड़ लिया रे आज सिया सुना था, आज सिया सुना था, जोड़ लिया रे सुना था, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। एक बार इन दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जय 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 जय। देखिए संगीत में एक अलग ही बात है, और ये मरे हुए मुर्दे में से आभास निकालते हैं भाई, है ना। हमारी तुम्हारी ये त्वचा तो किसी काम नहीं आएगी, लेकिन ये तो मरी हुई त्वचा से आवाज निकाल रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। दर्शन करिए, आज राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, इतना बड़ा कार्य किया राम जी ने। आज समाज में धनुष को उपमा बताई है दहेज की। आज इस समाज में जो है वो है दहेज, और दहेज के कारण आप सभी जानते हैं कितने परिवार बिखर रहे हैं। मानस में भी विवाह हुआ है, भोलेनाथ का विवाह हुआ, राम जी का विवाह हुआ, कहीं दहेज लेन देन की बात नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा कि इतना दहेज मांगा। लेकिन आप दर्शन करें, जब भी पिता अपनी बेटी का विवाह करता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ देता है, और सब कुछ देने के बाद अपनी पगड़ी तक समधी के चरणों में रख देता है। वो सिर्फ एक बेटी नहीं देता, अपने कलेजे का टुकड़ा देता है। लेकिन समाज के तथाकथित लोग दहेज को सब कुछ मान लेते हैं। इस दहेज के खातिर कई संस्कारवान लड़कियां अपने घर में बैठी हैं, उनके पिता परेशान हैं कि कोई अच्छा परिवार मिल जाए, बेटी के लिए सुयोग्य वर मिल जाए। इसलिए इस दहेज जैसी प्रथा को हम सभी को मिटाना होगा, इसके लिए समाज सुधारकों को खड़ा होना होगा। प्यारे, जब आपके घर में दहेज लेकर के बेटी आएगी तो आप कहोगे ये हमारी सेवा करे, वो सेवा नहीं करेगी, क्योंकि दहेज ही इतना मिला है, नौकर चाकर रख लो सेवा करने के लिए। जब आप अपने घर में संस्कारवान बेटी लाएंगे तब वो मानस की कथाओं को सुनेगी और उनका अनुसरण भी करेगी। बड़ा प्यारा भाव। एक सेठ जी थे, सेठ जी के यहां सब कुछ था, धन संपदा सब कुछ थी। एक दिन की बात कि उनके सपने में लक्ष्मी मैया आई। लक्ष्मी मैया ने कहा सेठ जी हम तुम्हारे यहां बड़ी प्रसन्नता के साथ इतने दिन रहे, तुमने हमारी अगरबत्ती लगाई, हमारी पूजा की, हमारा मान सम्मान रखा, हम तुम्हारे यहां इतने दिन रहे, अब मेरा समय आ गया है, मुझे तुम्हारे घर से जाना है। मैं जाते जाते तुम्हें कुछ वचन के रूप में देना चाहती हूँ, अगर तुम मांगना चाहो तो मांग लो, मैं तुम्हें वो वचन देकर के चली जाऊंगी। लक्ष्मी मैया इतना कहकर के अंतर ध्यान हो गई, सेठ जी की नींद खुली, सेठ जी ने पूरे परिवार में अपना स्वप्न बताया। लक्ष्मी मैया सपने में आई है, आकर के कहकर के गई है कि अब मैं तुम्हारे घर से जाने वाली हूँ, जाते जाते अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो। परिवार के लड़के बोले धन संपदा मांग लो, किसी ने कहा पद प्रतिष्ठा मांग लो, किसी ने कहा सोना चांदी मांग लो, किसी ने मांगा खेती बाड़ी मांग लो, लेकिन सेठ जी शांत बैठे हैं, बात समझ में नहीं आ रही। उसी समय देखा कि घर की छोटी बहू एक कोने में बैठी हुई थी। सेठ जी ने कहा बेटा तुम भी इस घर की सदस्य हो, तुम बताओ मैं क्या मांगू। वो छोटी बहू थी, वो जिस घर से आई थी वहां पर मानस का पाठ होता था,
उसने कहा, पिताजी सब लोग कह रहे हैं कि आप धन संपदा मांग लो, पद प्रतिष्ठा मांग लो, सोना चांदी मांग लो, खेती मांग लो, लेकिन मैं तो एक ही बात जानती हूँ, आपको यदि मांगना है तो सिर्फ इतना मांगना कि हमारा परिवार कैसा भी है बहुत अच्छा है, बस एक छत के नीचे एक साथ रहे, बस इतना देकर के चली जाओ। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले जहा सुमति तहा संपत्ति ना, लेकिन कभी भी परिवार से अलग होने का मत सोचना। याद रखना, जब तक इमारत खड़ी रहती है तब तक कोई भी उस इमारत को हाथ नहीं लगाता, लेकिन जब वो इमारत टूट जाती है, दीवार बिखर जाती है, तो एक एक ईंट को लोग उठा करके ले जाते हैं। इसलिए सभी एकजुट रहे, एक परिवार में एक साथ रहे। आज बड़ा सुंदर दर्शन है, मानस से हमें सीखना चाहिए कि घर में जब भी विवाह हो, अपने बेटे का विवाह करना चाहिए तो हमेशा संस्कारवान बेटी देखे। इसीलिए कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जितना हो सके बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, सुयोग्य बनाएं। जब आप सुयोग्य बनाएंगे तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। क्यों? बोले पुत्री पवित्र किए कुल दो, जिस घर में रहेगी उसका भी उद्धार और जहां पर जाएगी उस कुल का भी उद्धार। आज हमारी जनक नंदिनी माता जानकी विजय माला लेकर के आ रही हैं। क्या दर्शन! माता जानकी का व्यक्तित्व चरित्र इतना दिव्य है कि दुनिया के लोगों को संतों ने कहना पड़ा कि बेटी बनना है तो सीता जैसी बनो, पत्नी बनना है तो सीता जैसी बनो, और मां बनना है तो सीता जैसी बनो। तीनों ही धर्मों को क्या समर्पित भाव से निभाया माता जानकी ने। आज समय आ गया है, राम जी के साथ बंधन में बंधने वाली है, विजय माला लेकर के आ रही है। सखियां गाती हैं, झुकी जइयो तनक रघुबीर, तालियां बजाती हूं, जय हो।
उनके सुपुत्र श्री रामबाबू त्यागी शिक्षक
रुनीपुर वालों की ओर से 511 रुपए की सेवा मौनी महाराज के चरणों में दी जाती है। और इसी के साथ 500 रुपए श्री रामबाबू लाल त्यागी जी पटेल साहेब निवासी बघेल वालों की ओर से मौनी महाराज के चरणों में सेवा दी जाती है। 505 रुपए श्री मुन्नालाल फुलमड़े जी बघेल वालों की ओर से मौनी महाराज के चरणों में सेवा प्रेषित की जाती है। इसी के साथ एक हमारे प्रजापति जी 100 रुपए श्री परमाल प्रजापति जी भी मौनी महाराज के चरणों में सेवा प्रेषित करते हैं। मौनी महाराज का सभी परिवारों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहेंगे और पूरी ग्राम पंचायत की ओर से सभी संयोजकों के लिए सभी दानदाताओं के लिए कोट कोट धन्यवाद। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। जय हो। आज राघवेंद्र सरकार ने धनुष तोड़ करके हृदय राजा जनक जी की जो सभा थी प्रतिज्ञा थी सबके बीच उनका सम्मान रखा। सम्मान रखने के बाद विजय माला अर्पण हुई। विजय माला अर्पण होने के बाद आगे के रीति रिवाज संपूर्ण करने के लिए गुरुदेव के द्वारा पत्रिका लिखवाई गई। वो पत्रिका दूतों को देकर के भिजवाई गई अयोध्या। नारायण दास जी लिखते कछु खाटी लगे कछु मीठी लगे बड़ी प्यारी जनकपुर की चीठी लगे। बार विरोचन बाँचत पाती पुलक गात आई भर छाती। ऐसी पत्रिका दूत लेकर के वहां पहुंचे अयोध्या में। जब दूत अयोध्या में पहुंचे तो राजा दशरथ जी भैया कहूं कुशल दो बारे। राजा दशरथ जी अयोध्या नरेश हैं लेकिन जनकपुर के दूतों को कितना सम्मान दिया। बोले भैया कहकर के संबोधन, इसलिए वो राम जी के पिताजी हैं। दशरथ जी महाराज साधारण से दूत को भैया, ऐसा जब विचार हो ऐसा व्यक्तित्व हो तो भला उनके चरणों का वंदन कौन नहीं करना चाहेगा। बोलिए दशरथ जी महाराज की जय हो। दूतों से पूछा आप हमारे राम लक्ष्मण का संदेशा लाए हो, हम कैसे माने हैं? एक बार बताओ तो सही कि वो दिखते कैसे हैं? तीन बातें पूछी राजा दशरथ जी ने। पहला तो ये बताओ कि वो दिखते कैसे हैं, दूसरा ये बताओ कि वो बोलते कैसा है, और तीसरा ये बताओ कि वो चलते कैसे हैं। अगर ये बातें बता दोगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम हमारे ही राम का संदेशा लाए हो। पहला पूछा कैसा दिखते हैं तो दूत जवाब देते हैं कैसे दिखे। बोले सुंदर श्याम गौर तो